हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभम साहू आप सभी को आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नेट बैंकिंग फॉर्म कैसे फिल करें। आप इस फॉर्म की मदद से इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं, फ़ोन बैंकिंग भी कर सकते हैं और मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं। तो आपको जो भी चाहिए आप सिंपली इस फॉर्म को फिल करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, और अगर आपको कोई और बैंक में है आपको नेट बैंकिंग करना है तो उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और ऐसे बहुत सारे बैंकों के ऊपर नेट बैंकिंग की ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियोज़ बनी हुई हैं, तो जाके चैनल पे आप देख सकते हैं। तो सिंपली आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ। आपको सिंपली महाराष्ट्र बैंक नेट बैंकिंग फॉर्म डाउनलोड सर्च करना है, आपको ये सबसे ऊपर मिल जाएगा महाराष्ट्र कनेक्ट डॉट इन, इससे आपको जाके डाउनलोड कर लेना है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि अपने आप बैंक के ब्रांच में जाइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म मिल जाएगा। तो सिंपली आपको सबसे पहले ये फॉर्म मिलता है तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर यहाँ पे ब्रांच का नेम डालना है। उसके बाद आप देख सकते हैं आई वी विश टू अप्लाई फॉर नेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग एस अंडर। तो आपको जो भी चीज़ें करनी, जैसे कि आपको नेट बैंकिंग तो करनी है तो आप इस पर टिक लगा दीजिए, फ़ोन बैंकिंग भी करनी है तो इस पर टिक लगा दीजिए, और मोबाइल बैंकिंग भी करना है तो उस पर भी टिक लगा दीजिए, नहीं तो जो भी एक चीज़ करना है तो उसी पर टिक लगा दीजिए। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि आपको अकाउंट होल्डर नेम लिखना है, जो भी पासबुक पे आपके नेम लिखा हुआ तो अपना नाम यहाँ पे लिखिए। उसके बाद नेम ऑफ यूजर, ये सिर्फ नॉन इंडिविजुअल कस्टमर के लिए है तो इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आता है मेलिंग एड्रेस, यानी कि आपको पूरा अपना पता फिल करना है, तो जो भी आपका पूरा पता हो उसको लिख दीजिए और जितना हो जाए हो जाए। उसके बाद यहाँ पे अपने सिटी लिखिए, जो भी आपका विलेज है या सिटी गांव है तो वो फिल करिए। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड भरना है, जो भी आपका पोस्टल कोड पड़ता है, जिप कोड, और ये फ़ोन नंबर आप फिल कर दीजिए, और मोबाइल नंबर में यहाँ पे ऑलरेडी 91 दिया गया है तो इसके आगे अपना पूरा 10 अंकों का नंबर डाल दीजिए, और एक और नंबर है तो यहाँ फ़ोन नंबर के जगह पे भी एक और नंबर अपना टेलीफोन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना आता है ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस आपको डालना बहुत ही ज़रूरी है, तो एक अपना नया ईमेल एड्रेस डाल दें या जो भी पहले से बैंक में लिंक हो वो वाला डाल दें, जो भी है आपके पास एक ईमेल यहाँ पे ज़रूर डालें। और उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जो कि DDMMYYF फॉर्म में रहेगी, पहले दिनांक फिर महीना फिर साल, ऐसे आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म जहाँ पे हुआ, जन्म स्थान यहाँ पे सिंपली लिख देना है, जो भी आपका जन्म स्थान है। उसके बाद यहाँ पे आता है मदर्स मेडन नेम, मेडन नेम मतलब होता है यानी कि आपकी माता का फर्स्ट नेम, यानी कि जैसे कि आपकी माँ श्रीमती कुछ भी कुसुमा तिवारी है तो आपको सिर्फ इसमें कुसुमा लिखना है, तिवारी ये सब आपको लिखना नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली आपका प्रथम नेम यहाँ पे लिख देना है बस अपनी माता जी का। उसके बाद डिलीवरी चैनल, यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, मोबाइल बैंकिंग चाहिए कि फ़ोन बैंकिंग चाहिए, तो जो भी चाहिए तीनों में से, जैसे कि मुझे इंटरनेट बैंकिंग सिर्फ चाहिए तो मैं इस पर टिक लगा दूंगा, इनको छोड़ दूंगा। अगर मुझे मोबाइल बैंकिंग सिर्फ करनी है तो मैं इस पर टिक लगा दूंगा, और तीनों करनी है तो तीनों पर लगा दूंगा। अगला यहाँ पे आता है फैसिलिटी रिक्वेस्टेड, तो आप यहाँ पे क्या क्या करना चाहते हैं। व्यू में आप सिर्फ देख सकते हैं अपने इंटरनेट बैंकिंग के कि हमारा पैसा क्या है, क्या चीज़ें, कुछ ट्रांजेक्शन है, कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। ऑफलाइन रिक्वेस्टेड, ई पेमेंट, टैक्सेस, फंड ट्रांसफर ऑन अकाउंट, तो अगर आपको कोई पार्टिकुलर एक कोई फैसिलिटी चाहिए तभी आप एक पे कोई टिक करिए, नहीं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि यहाँ पे ऑल फैसिलिटीज़ पे आपको सिंपली टिक कर देना, जिससे कि आप सभी कुछ अपने यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग से कर सकेंगे। तो इतना आपको ऑल पे सिंपली टिक कर दीजिए। उसके बाद आता है यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट नंबर अपना पूरा फिल कर देना है, उसके बाद ब्रांच नेम लिखना है और ब्रांच का कोड आपको लिखना है, तो कोड आपको मिल जाएगा ब्रांच से भी और पासबुक पे भी लिखा होता है। उसके बाद यहाँ पे आता है मोड ऑफ ऑपरेशन, आपका सिंगल अकाउंट है या ज्वाइंट अकाउंट है, जो भी हो लिख दीजिए। CIF नंबर, आपका CIF नंबर जो है वो फॉर ऑफिस यूज ओनली है तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका सेकंड फॉर्म आता है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, डिक्लेरेशन है तो यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे डेट डाल देना है जिस दिन आप इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, और यहाँ पे प्लेस डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट डाल देना है, इसके बाद आपको यहाँ पे इस नेम वेम भर के, ये ज्वाइंट अकाउंट के लिए है, आपको कुछ भी इसमें नहीं करना है। यहाँ पे अपना जैसे ज्वाइंट अकाउंट है तो आपको नेम और दूसरा जो है उसका नेम और यहाँ पे सिग्नेचर डाल देने हैं, और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे भी आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं मांगा गया, लेकिन आपको यहाँ पे पैन कार्ड की और आधार कार्ड की फ़ोटो कापी साथ में लेके जानी है। तो इतना लेके जाइए, आपका इंटरनेट बैंकिंग हो जाएगा और ऑफिशियली वेबसाइट पे तो यही फॉर्म दिया गया है। अगर कोई थोड़ा इधर उधर फॉर्म है तो दिक्कत मत लीजिए, इसी तरह आपको सारी चीज़ें फिल करनी है, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो दोस्तों कोई भी आपके शंका सुझाव हो तो नीचे जाके कमेंट कर दीजिए, और आपकी हेल्प हुई हो तो वो भी हमें बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, जिससे कि आप हमारी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।